आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा यूरिक एसिड को कुदरती तौर पे किस तरह काम किया जा सकता है और इसके लिए हमें किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। इस वीडियो का टारगेट है 1 सब्सक्राइबर जो कि आप हैं, लिहाजा इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि यूरिक एसिड को किस तरह कुदरती तौर पे काम किया जा सकता है जिसके लिए हमें किसी किस्म की कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह के चेंजेस करेंगे और इसके साथ साथ यूरिक एसिड से रिलेटेड जो भी बीमारी हमारे जिस्म में होती है, मिसाल के तौर पे गेंठिया, जोड़ों पे, घुटनों पे स्वेलिंग है, ये किस तरह काम की जा सकती है। यूरिक एसिड कम होने की वजह से हमारे जोड़ों का दर्द और सोजिश कम होने में मदद मिलती है। इसके अलावा और अगर किसी पेशेंट को गेंठिया है तो उसकी शिद्दत भी कम होगी। कुछ सिंपल से स्टेप हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज करने से और इसके साथ साथ अगर हमारे जोड़ों पे दर्द है या सोजिश है वो भी कम होगी। तो लिहाजा लाइफस्टाइल में चेंज में सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज है ज्यादा पानी का इस्तेमाल, जिसके नतीजे में यूरिक एसिड कम होगा। 8 से 10 गिलास पानी हम रोजाना पिए जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो हमारे जिस्म से खारिज होगा और उसके नतीजे में यूरिक एसिड के लेवल में कमी आएगी। इसके अलावा हमें उस डाइट का इस्तेमाल कम करना है जिसमें प्यूरीन की मिकदार ज्यादा होगी, क्योंकि प्यूरीन ही ब्रेक डाउन होके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जिस खुराक में प्यूरीन ज्यादा है वो खासकर रेड मीट है, यानी कि बीफ। इसके अलावा ऑर्गन जो हम खाते हैं, मिसाल के तौर पे गुर्दे हैं, कलेजी है, इनमें भी प्यूरीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और इसके साथ साथ सी फूड्स। लिहाजा इस डाइट को हम अपने लाइफस्टाइल से कम करेंगे जिसकी वजह से प्यूरिन की मिकदार कम होगी हमारे जिस्म में और उसके साथ साथ ही यूरिक एसिड भी कम होगा। यूरिक एसिड को कम रखने के लिए हमें इस तरह की खुराक का इस्तेमाल करना है जिसमें प्यूरिन की मिकदार कम होगी। मिसाल के तौर पे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं और इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें फैट लेवल कम हो, इन सब में प्यूरिन की मिकदार कम होगी और इसके साथ साथ यूरिक एसिड भी हमारे जिस्म में कम होगा। चौथे नंबर पर मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं ये हमारे जिस्म से यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को डिस्टर्ब करता है, लिहाजा वो इसका इस्तेमाल ना करें, इससे भी यूरिक एसिड लेवल कम होगा। पांचवें नंबर पे मैं आपसे शेयर करूंगा इस तरह के मशरूबात जिनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, उनका इस्तेमाल कम करें। ये हमारे जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है और इसकी जगह पे आप कोई हर्बल टी या कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे जिस्म से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। छठे नंबर पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि अपना वजन बढ़ने ना दें। जैसे ही आपका वजन बढ़ता है उसकी वजह से हमारे जिस्म में प्यूरीन की मेटाबॉलिज्म बढ़ती है और उसके साथ साथ यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लग जाता है। अगर हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल कम होगा तो हमारे गुर्दों को उतनी ही मुशक्कत करनी पड़ेगी इनको हमारे जिस्म से निकालने के लिए। लिहाजा अगर आपका वेट आइडियल होगा तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड भी हमारे जिस्म में कम बनेगा और ये प्रॉपरली हमारे जिस्म से एक्सक्रीट होता रहेगा। सातवें नंबर पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अपनी डाइट में ग्रेन्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की जिसमें आपको कैलोरीज और न्यूट्रिशन पूरे मिलेंगे, लेकिन इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर आप रिफाइंड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसमें आपके यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस है। लिहाजा अपनी खुराक में फलियां जो होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं या सीड्स, इसके नतीजे में हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल कम बढ़ेगा। आठवें नंबर पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अपनी खुराक में चेरीज का या चेरी के जूस का इस्तेमाल ज्यादा करें। स्टडीज के मुताबिक चेरी जो है हमारे जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने को रोकती है और इसके साथ साथ अगर हमारे जिस्म में गाउट का अटैक होता है या गेंठिये का मसला होता है तो उसको भी कम करती है। नौवें नंबर पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अपने लाइफस्टाइल में कॉफी और ग्रीन टी का इस्तेमाल ज्यादा करें, जिसके नतीजे में ये हमारे जिस्म से यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। इसकी वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल कुदरती तौर पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दसवें नंबर पे मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आप अपनी डाइट में
डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें जिनमें फैट लेवल कम हो। इसके नतीजे में आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल कम होगा और इसमें यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करता हूं कि आप अपनी खुराक में प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम करें जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एड किए जाते हैं जो कि यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करता हूं कि इस तरह के प्रोसेस्ड फूड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं फिनिश फॉर्म में, मिसाल के तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, स्नैक्स हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूंगा कि अपने लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को कम करें। इसके लिए आप कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके अलावा योगा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस की वजह से गाउट या गेंठिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लिहाजा अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड की जाती है और स्ट्रेस है तो इसके नतीजे में आपको गेंठिया भी हो सकता है, लिहाजा अपने स्ट्रेस को कम करें। सबसे आखिर पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अपने लाइफस्टाइल में इस तरह का डाइट का इस्तेमाल ना करें जो कि आपके वजन को बढ़ाए। आपके वजन के बढ़ने की वजह से आपका यूरिक कैसे लेवल भी बढ़ेगा और इसके नतीजे में गेंठिया और उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हो सकती हैं हमारे जिस्म में वो होने के चांसेस होंगे। जो जो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं जिसकी वजह से आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार कम होगी और उसके नतीजे में होने वाली बीमारियां खास तौर पे गेंठिया और इसके अलावा जोड़ों का दर्द और सोजिश ये कम होंगे। अगर आप पहले ही यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से लाजमी मशवरा करें ताकि किसी भी किस्म के बुरे असर से बचा जा सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल करें और अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।